Hey guys, welcome back to our YouTube channel Mining Knowledge। दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे टाटा स्टील की तरफ से दोस्तों एक अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है। दोस्तों जैसा कि ऊपर आप पढ़ सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर इंस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम 2022। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है वो 24 मार्च 2022 को रिलीज हुआ था टाटा स्टील के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर दोस्तों आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक दोस्तों टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप ऊपर पढ़ सकते हैं यहां पर साफ साफ दिखा हुआ है टाटा स्टील इज सीकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोजीशन ऑफ इंजीनियर ट्रेनिंग इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। आपका दोस्तों यहां पर काम रहेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोग्राम डिटेल्स के बारे में, तो आप ऊपर पढ़ सकते हैं दोस्तों सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एज इंजीनियर ट्रेनिंग फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। दोस्तों अगर आप इसमें सिलेक्शन होता है तो आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग दिया जाएगा दोस्तों टाटा स्टील की तरफ से, उसके बाद आपको जो है जॉब दिया जाएगा। आप बात करते हैं दोस्तों आपका क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया है, तो ऊपर दोस्तों आप पढ़ सकते हैं मस्ट हैव कम्प्लीटेड और शुड बी फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ बीई बीटेक और बीएससी। दोस्तों अगर आपका कंप्लीट है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर भी दोस्तों अगर आप है तो भी इस वैकेंसी को डाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपका बीई बीटेक ये सब ब्रांच से है तो आप इस वैकेंसी को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सिविल स्ट्रक्चर दोस्तों केरेमिक केमिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर दोस्तों आप मैकेनिकल से बीटेक किए हुए हो या फिर मेटलर्जी से या फिर दोस्तों मिनरल या माइनिंग से अगर आपका बीटेक है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और दोस्तों और ही ब्रांचेस हैं रिमोट सेंसिंग GIS, ये सब दोस्तों अगर आपने बीटेक बीई या फिर बीएससी किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे दोस्तों और भी लिखा हुआ है मस्ट हैव कंप्लीटेड और शुड बी फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ MSc इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन जियोलॉजी। जियोलॉजी से भी है दोस्तों तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अदर गाइडलाइंस के बारे में, तो दोस्तों आप यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो भी बीटेक का है वो आप अगर डिप्लोमा के बाद अगर आपने बीटेक किया हुआ है डायरेक्ट लेटरल एंट्री में तब भी दोस्तों आप एलिजिबल है इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों आपका जो सर्टिफिकेट है वो AICTE या फिर UGC से अप्रूव होना चाहिए तब आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों नीचे लिखा हुआ है प्रेफरेंस में अगर आपके पास झारखंड और ओडिशा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो आपका जो एज होना चाहिए वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई 2022 से दोस्तों यहाँ पर काउंट किया जाएगा। फॉर जेंडर SC ST लोग दोस्तों को छूट दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और, अगर आपको दोस्तों ये अप्लाई करना है वैकेंसी तो दोस्तों यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आपको यहाँ पर जाके अप्लाई कर देना है। इसका दोस्तों लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 10/4/2022, मतलब दोस्तों 10 अप्रैल तक आपका फर्स्ट टाइम है। आप इजीली जाके इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ खास डिटेल नहीं है दोस्तों। एक बार आप इस नोटिफिकेशन को बढ़िया से पढ़ लेना, एक अच्छी वैकेंसी निकाली है दोस्तों टाटा स्टील की तरफ से। अगर आपने बीटेक किया सब ब्रांच से किया है तो एक बार आप जरूर अप्लाई करें। और खासकर झारखंड और उड़ीसा वाले के लिए दोस्तों अच्छा मौका है, वो लोग को अच्छी खासी प्रेफरेंस यहाँ मिल जाएगी, पहले वही लोग स्टूडेंट को लिया जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का वैकेंसी, टाटा स्टील ने एक नई वैकेंसी जारी की है इंजीनियर ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए। अगर दोस्तों आप एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई करें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना। मिलता है तब तक के लिए, बाय बाय।